तो कैसे हो आप लोग। मैं हिदायत और आप देख रहे हो मेडिकस। तो आज जो हम बात करेंगे बेसिकली क्रोमोसोम्स के बारे में बात करेंगे। ये जानेंगे कि क्रोमोसोम्स क्या, तो देखते हैं क्रोमोसोम्स क्या। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि क्रोमोसोम्स क्या होता है। तो क्रोमोसोम्स को जानने से पहले तो हम ये जानना पड़ेगा कि ये होता कहाँ पर है। इसके बायोजेनेसिस को जानेंगे, उसके बाद इसके स्ट्रक्चर को जानेंगे, और फिर क्रोमोसोम्स का होना हमारी सेल्स में क्यों जरूरी है उसको भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये होता कहाँ पर है। तो हमने बोला सेल्स में होना क्यों जरूरी है। ये जो होता है क्रोमोसोम्स हमारी सेल्स में होती है। एक सेल्स है, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस, ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। तो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स होता है। यानी न्यूक्लियस जो होता है वो हमारे सेल का गार्जियन होता है, और सारा जो कंट्रोल होता है सेल का वो न्यूक्लियस के अंदर, कहे तो न्यूक्लियस के अंदर ही होता। तो सारा जो कंट्रोल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता। तो ये जो होता है हमारी सेल का गार्जियन होता है। तो बात कर रहे हैं न्यूक्लियस से, क्रोमोसोम्स की। जो क्रोमोसोम्स क्या, तो क्रोमोसोम्स जो होता है ये न्यूक्लियोप्रोटीन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्रोमोसोम क्या, क्रोमोसोम का जो मतलब होता है ये क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम्स का मतलब जो होता है कलर, कहे तो कलर का एक बॉडी के कलर वाला एक बॉडी स्ट्रक्चर, उसे ही हम क्रोमोसोम कहते हैं। हम जब इसे स्टैंड करते हैं तो स्टैंड करने पर हमें ये जो होता है इसके जो धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं वो नजर आ जाते हैं, और ये स्टैंड करने पर इसका जो रंग होता है वो डिफरेंट हो जाता है, इसे हम पहचान लेते हैं ये क्रोमोसोम से। तो हम इसके स्ट्रक्चर को भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये है क्या, यानी ये जो होता है जेनेटिक मटेरियल इन लिविंग बींग्स, यानी ये जो क्रोमोसोम्स होता है ये जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आपने सुना होगा जो डीएनए जो होता है वो ह्यूमन बींग्स का या किसी भी कहे तो एनिमल्स का बैक्टीरिया का वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है, आपने सुना होगा। तो जेनेटिक मटेरियल ही होता है ये सारे जो लिविंग बींग्स होते हैं, लिविंग बींग्स के जेनेटिक मटेरियल होते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स के अंदर ही आरएनए डीएनए जीन्स सारे प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर ही आरएनए डीएनए जीन्स सारे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ लाइफ, यानी जैसे बैक्टीरिया वायरस एनिमल्स और आप जो भी कह सकते हो सारे का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम होता है। कहने का मतलब बैक्टीरिया वायरस चाहे वो आरएनए हो डीएनए हो सारे का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रोमोसोम का जो डिस्कवर हुआ कब हुआ, और हम ये जान लेते हैं कि किसने किया। तो अगर किसने किया बात करें तो वाल्टर फ्लेमिंग ने सबसे पहले क्रोमोसोम का डिस्कवर किया, और सब नाम जो रखा था वाल्डियर नाम के साइंटिस्ट ने इसे नाम दिया, जो क्रोमोसोम जो होता है इसके अंदर एक ये कलर बॉडी होता है। तो वाल्डियर नाम के साइंटिस्ट ने इसे नाम दिया क्रोमोसोम का, और ये जो क्रोमोसोम को सबसे पहले देखा सबसे पहले डिस्कवर किया वो वाल्टर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने किया। तो अब हम वही जान लेते हैं इसके बायोजेनेसिस को, क्रोमोसोम्स के बायोजेनेसिस को जान लेते हैं कि क्रोमोसोम्स का बायोजेनेसिस क्या। हम क्रोमोसोम्स के बायोजेनेसिस की बात करें तो ये आप देख रहे हो पार्टिकल्स, एक जो पार्टिकल्स है, तो पार्टिकल्स का है तो ये क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन से ही जो बनता है ना वो क्रोमोसोम बनता है। कैसे बनता है मैं बात करूं, पहले जो ये सेल डिविजन होता है ये क्रोमेटिन है। जब सेल डिवीजन होता है तो ये ही गहरा रंग धारण कर लेता और क्रोमोसोम का निर्माण करता। तो क्रोमेटिन पार्टिकल्स होता है, क्रोमेटिन पार्टिकल से जो होता है नेटवर्क बनता है। कहने का मतलब क्रोमेटिन एक नेटवर्क बना लेता है इस टाइप का, और नेटवर्क बनाने के बाद ये क्रोमोसोम बन जाता है, यानी सेल डिवीजन जो होता है उस दौरान ये क्रोमोसोम बन जाता। अब हम बात करते हैं इसके साइज की, जो क्रोमोसोम का साइज क्या हो सकता है। तो हम तो ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे कि ह्यूमन बींग्स में इसका साइज क्या होता है। अगर ह्यूमन बींग्स में इसके साइज की बात करें तो 5 μm होता, यानी 5 μm का ये क्रोमोसोम होता है ह्यूमन बींग्स में। वही आप बात करें गैंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी ये जो गैंट होता है गैंट क्रोमोसोम का जो साइज होता है वो 800 μm होता है। ये गैंट क्रोमोसोम क्या होता है, गैंट क्रोमोसोम बेसिकली हम उसे कहते हैं जब एक ही क्रोमोसोम में क्रोमेटिन में सेल डिवीजन होता रहे और क्रोमेटिन एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं उसे हम गैंट क्रोमोसोम कहते हैं। तो गैंट क्रोमोसोम जो होता है उसका जो
ये विशाल क्रोमोसोम क्या लिया इसे, विशाल क्रोमोसोम जो होता है इसका जो साइज होता है 800 न्यूमीटर होता है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मैं वैसे ही बता देता हूँ। अगर हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स हाफ है तो उसे एन कहेंगे, यानी हैप्लोइड कहेंगे। अगर हमारी बॉडी में उसे एन से डिनोट करेंगे। अगर हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स डबल है तो उसे डिप्लॉइड कहेंगे, यानी 2n से उसे डिनोट करेंगे। ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। ये क्रोमोसोम्स क्या होता है, अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स का ह्यूमन बींग्स के अंदर क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो XX एंड XY होता है, XX एंड XY, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम की हम बात कर रहे थे। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो 47 होता, 46 होता, 47 में 23 पेयर होता। तो यानी कहने का मतलब यह है ह्यूमन बींग्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 पेयर्स में होते हैं, 23 पेयर्स में होते हैं, और ये जो होते हैं वो XX होते हैं, XY होते हैं। तो 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, और 23 जो होते हैं उससे हम कहे तो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, यानी 22 तो ये हो जाते हैं ऑटोसोम्स, और 1 जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम का मतलब ये हुआ 22, तो जैसे हमारी बॉडी में मेल फीमेल की बात कर रहे हैं तो मेल में जो होता है वो 22+1 यानी 23 होता है, और 23 में ऑटोसोम्स 22 होता है, 1 सेक्स क्रोमोसोम होता है। सेक्स क्रोमोसोम कहे तो हमारी जो कहले सेक्स क्रोमोसोम जो पेल्विक रीजन होता है, पेल्विक रीजन में जो जितने भी ऑर्गेन्स होते हैं, ऑर्गेन्स कहने का मतलब ये होता है जो सेक्स ऑर्गेन्स जो होता है, सेक्स ऑर्गेन्स अलग होता है मेल में और फीमेल में, तो 1 क्रोमोसोम्स के ये होते हैं, 1 पेयर क्रोमोसोम्स के डिफरेंट से मेल फीमेल होते हैं, और बाकी के जो क्रोमोसोम्स होते हैं सेम होते हैं, जैसे हम आर्म्स होते हैं, लिंग होते हैं। तो कहने का मतलब अपर आर्म्स लोअर लोअर लिंग है, तो सारे जो होते हैं एक सेम होते हैं, जितने भी हमारे लंग्स किडनी कहे तो हार्ट सारे सेम होते हैं, लेकिन सिर्फ सेक्स ऑर्गन में डिफरेंट हो जाता है, जिसके वजह से ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं 1 पेयर। तो हम ये बात कर रहे थे ये जो आप ह्यूमन बींग्स के अंदर 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ये था। अगर डिनोट करना तो ये जो होते हैं हैप्लोइड डिप्लॉइड होते हैं, जिसे हम गैमेट्स एंड जायगोट्स कहते हैं। तो इसका ये था। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, कहने का मतलब क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर हम वही क्रोमोसोम्स के टाइप्स की बात करें तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं ये जानते हैं। अगर हम 4 टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला जो होता है मेटासेंट्रिक। अब ये मेटासेंट्रिक क्या होता है, मेटासेंट्रिक हम उसे कहते हैं, ये सेंट्रोमियर देख रहे हो, हम इसके स्ट्रक्चर को भी जानेंगे, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर को भी हम जानेंगे। तो हम जानते हैं मेटासेंट्रिक क्या, मेटासेंट्रिक उसे कहते हैं ये सेंट्रोमियर होते हैं, इसके बीच में सेंट्रोमियर होते हैं, जिसके जो सेंट्रोमियर होते हैं एक मिडिल में प्रेजेंट होते हैं उसे हम मेटासेंट्रिक कहते हैं, यानी मेटा, मेटा मीन्स क्या हो मिडिल, तो मिडिल में जिसमें सेंट्रोमियर प्रेजेंट होते हैं उसे मेटासेंट्रिक कहते हैं। सब मेटासेंट्रिक यानी सबसे कहने का मतलब थोड़ा ऊपर करके हो उसे सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। अब डायग्राम देख सकते हैं, एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक में ये जो होते हैं सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के ऊपर, सेंट्रोमियर के ऊपर हल्के क्रोमोसोम्स उगे हुए होते हैं, ग्रोथ किए होते हैं और उसके बाद नहीं होते, उसे हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक जो होते हैं क्रोमोसोम्स की जो एक भुजा कहें या कहें तो भुजा कह सकते हैं इसे, ये क्रोमोसोम्स की जो भुजा होती है वो पूरे नीचे होती है, अपर साइड में नहीं होता, उसे हम टेलोसेंट्रिक कहते हैं। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी क्रोमोसोम्स जो होते हैं बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। तो ये हमारा था टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब बात करते हैं कंपोजिशन की, जो केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे, यानी क्रोमोसोम्स का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो क्या होता। तो वही हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो जैसे क्रोमोसोम, तो कहने का मतलब क्रोमोसोम्स क्या क्या चीज से मिलकर बने होते हैं। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं क्रोमेटीन से बने होते हैं एंड न्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं क्रोमेटीन एंड न्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं। अब वही हम बात करें जो क्रोमेटीन क्या चीज से बने होते हैं, तो क्रोमेटीन जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन से बने होते हैं।
अगर वही बात करें न्यूक्लिक एसिड क्या चीज से बने होते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं डीएनए आरएनए प्रोटीन से बने होते हैं, डीएनए आरएनए प्रोटीन से बने होते हैं। और उसके बाद डीएनए आरएनए क्या चीज से बने होते हैं हम बात करें, तो ये जो है लोअर मॉलिकुलर प्रोटीन से बने होते हैं एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिकुलर प्रोटीन से बने होते हैं। ये जो ये दोनों जो होते हैं लोअर मॉलिकुलर प्रोटीन एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिकुलर प्रोटीन जो होते हैं वो नन हिस्टोन होते हैं, दोनों जो होते हैं वो नन हिस्टोन होते हैं। तो डीएनए आरएनए जो बने होते हैं लोअर मॉलिकुलर प्रोटीन एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिकुलर प्रोटीन से बने होते हैं। ये क्या सॉरी आरएनए डीएनए बने होते हैं, और डीएनए आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो डीएनए एंड आरएनए से बने होते हैं। तो ये था केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोजोम्स, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोजोम्स। तो ये था वही। अगर हम इसके स्ट्रक्चर पर देखें तो इसके स्ट्रक्चर जो होते हैं बेसिकली ये हम यहाँ पर हम जो दिखा रहे हैं वो क्रोमोजोम्स है। और वैसे पहले जो होता है वो क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन से ही क्रोमोजोम्स बनता है। और ये क्रोमेटिन लूप्स है और डीएनए डबल हेलिक्स ये जो है डीएनए यानी डीएनए बनता है, क्रोमोजोम्स से ही डीएनए बनता है। तो ये डीएनए का डायग्राम है आप देख सकते हैं। एंड न्यूक्लियोसोम्स यानी अगला जो प्रोसेस होता है न्यूक्लियो क्रोमेटिन क्रोमोजोम्स क्रोमेटिन का जो अगला प्रोसेस होता है वो न्यूक्लियोसोम्स होता है। एंड सेंट्रोमियर देख सकते हो, हमने देखा था यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम में यहाँ पे भी सेंट्रोमियर है। ये सेंट्रोमियर जो होता है वो होता है सेंट्रोमियर जो होता है वो क्रोमोजोम्स को डिवाइड करते हैं सेंट्रोमियर, तो डिवाइड करने का जो काम होता है सेंट्रोमियर। वही हम बात कर लेते हैं, अब यहाँ पर लिखा हुआ हेटरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन, यानी हेटरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन क्या होता है। बेसिकली क्रोमेटिन के टाइप्स होते हैं हेटरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। बेसिकली हम हेटरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन उसे कहते हैं जब यहीं पर जैसे ये क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन जहां पर गाढ़े हो जाते हैं ठीक उसे हम हेटरोक्रोमेटिन कहते हैं, और जहां पर वैसे ही नॉर्मल होता है उसे यूक्रोमेटिन कहते हैं। तो इसमें डिफरेंस जो होता है इतना ही होता है। और हेटरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन में अंतर ये होता है हेटरोक्रोमेटिन जो होता है वो किसी भी तरीके का जेनेटिक वगैरह जेनेटिक का फंक्शंस जो होता है उसके अंदर एक्टिव नहीं होता, और यूक्रोमेटिन जो होता है वो जेनेटिकली एक्टिव होता। तो इसके अंदर ये होता। अगर हम बात करें क्रोमोजोम्स के फंक्शंस की, जो क्रोमोजोम्स का फंक्शंस क्या है, तो क्रोमोजोम्स के फंक्शन में हम ये कह सकते हैं कि क्रोमोजोम्स जो होता है वो हमारी जो जनरेशन होती है जनरेशन को मेंटेन करके रखता। जैसे एक ह्यूमन बींग्स का जो स्प्रिंग होगा ऑफ स्प्रिंग कहे तो ऑफ स्प्रिंग जो होगा वो ऑफ ह्यूमन बींग्स ही होगा। तो इसी तरीके से क्रोमोजोम्स जो होता है जेनेटिकली मेंटेन करके रखता। अगर बात करें तो क्रोमोजोम्स एग के ये जो योक होते हैं उसके फॉर्मेशन में भी क्रोमोजोम्स ही होता है। अगर हम बात करें अगले फंक्शंस की, तो अगले फंक्शंस में हम ये कह सकते हैं कि हेटरोक्रोमेटिन जो होते हैं सॉरी कहते हैं यूक्रोमेटिन, हेटरोक्रोमेटिन से ही न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, यानी हेटरोक्रोमेटिन से ही न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है तो हम ये कह सकते हैं। तो क्रोमोजोम्स जो होते हैं उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। बेसिकली जो फंक्शन होते हैं वो ये कह सकते हैं हम, जो ये जेनेटिकली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जेनेटिक हेरिडिटी जो होता है उसे मेंटेन करके रखते हैं। तो आज का जो वीडियो था हमारा क्रोमोजोम्स था, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।